आप देख रहे हैं यहाँ पे किन्नर लोग हैं जो लोग यहाँ गाड़ियों से कुछ मांग रहे हैं और मांग के अपना जीवन यापन करते हैं इनके लिए। हेलो, एक मिनट आइए इधर, देख के बच के। यहाँ यहाँ पुल पे आप मांग रहे हो, आप लोग मांगते हो तो धक्का लगने का डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है पर पेट सब मांगता है ना, पेट खाने के लिए मांगे, वो धक्का कौन से। एक मिनट इधर साइड में हो जाओ, आप साइड में हो जाओ 2 मिनट के लिए। अच्छा एक बात बताओ आप, कि नाम क्या है आपका? महक। आप कहाँ से हो प्रॉपर? मैं प्रॉपर यहाँ हुसैनी से हूँ। हुसैनी यहाँ आसपास में कोई गांव है? हाँ, यहीं पे 3 किलोमीटर है यहाँ। अच्छा, ये गांव आपका प्रॉपर गांव यहीं पे है? मेरा गांव भी। कितने दिन से यहाँ पे मांग रहे हो आप? मैं लमसम 8-10 साल से मांग रही हूँ। 8-10 साल से? यहाँ पे ऐसा भी तो होता होगा कि जो आपको आँख के सामने एक्सीडेंट वगैरह भी होता होगा? हाँ, अभी हुआ था, परसों के दिन वहाँ पे हुआ था। तो आप लोग फिर बीच में क्यों आते हो? हम लोग बीच में आते हैं, ये लोग जाते हैं। जिस तरीके से आप लोग अभी मांग रहे थे उस तरीके से तो आपको चोट लग जाएगी गाड़ी से। नहीं, ये लोग भी हमें जानते हैं, हम लोग भी इन्हें जानते हैं कि ये लोग ठोकेंगे, टक्कर मारेंगे कि नहीं मारेंगे। अच्छा, सबको अपनी जान प्यारी थी, ये हमें टक्कर मार के ना अपनी जान खतरे में डालेंगे ना हम टक्कर खाएंगे, हम पहले ही हट जाते हैं। अच्छा भाई, सबको अपनी जान प्यारी होती है, वैसे भी हमारी ज़िंदगी तो नर्क है ही, हम दूसरे की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। तो ऐसा कभी आप लोगों ने सरकार से डिमांड क्यों नहीं किया अपने लिए? बहुत बार डिमांड की है सरकार, नौकरी अगर हम जैसों के लिए नौकरी निकाल दे तो हम लोग ये काम करें ही ना, हम लोग को अच्छा लगता है भीख मांगना। अच्छा, कितना मिल जाता है आपको पूरा दिन में? पूरा दिन में 500 तक हो जाता है। 500 तक हो जाता है? परिवार में कहीं नहीं, हम लोग अपना खाते हैं, अपना उड़ाते हैं, अपना करते हैं। अच्छा, आप लोग अपने खाते उड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन जैसे आपने मांग लिया तो 4-10 दिन मांगने की जरूरत ना पड़े? नहीं, आज ऐसे तो नहीं होता है। अब एक ऐसा तो नहीं कोई ऊपर से प्रेशर देता है आपको? नहीं, प्रेशर कोई नहीं देता भाई, अपनी ज़िंदगी है भाई, खाना है तो कमाना है तो खाना है, अगर नहीं कमाना है तो अभी जवानी में तो जितना कमा लेंगे, बुढ़ापे में कौन देने वाला है? तो ना हमारा आदमी है ना हमारे बच्चे हैं जो हमें कमा के खिला देंगे। आपने शादी की है? हाँ, मैंने शादी कर रखी। तो जिससे शादी की है वो नहीं खिलाता आपको? नहीं, खिलाते हैं, वो मना भी करते हैं कि मत करो, पर मेरी ज़िंदगी यही है तो मैं क्या करूँ। नहीं, लेकिन आपको अगर जब वो आपने शादी कर लिया तो आपको रुक जाना चाहिए, आपको अपने घर। मेरी ज़िंदगी यही है, अब मैं आपको बोलूं कि आप लड़की बन के घूमो, आप मेरे जैसे बन जाओ, आप बन जाओगे? नहीं, मैं तो नहीं। कुछ टाइम के लिए बन जाओगे, जितना प्रेशर डालेंगे तो बन जाओगे, पर पूरी ज़िंदगी बन के नहीं रह पाओगे ना। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही मेरा है, मैं इस लाइन के लिए ही बनी हूँ। मेरे को अच्छी ज़िंदगी में रखोगे तो मैं उसमें रह ही नहीं पाऊंगी, कुछ दिन रहूंगी फिर। लेकिन आखिर वजह क्या है कि क्यों नहीं रह पाओगे? वजह हम लोगों का समाज ही अलग है। ये आप जैसे आप कह रहे हो, जिस हिसाब से कि आपने शादी की है तो फिर यहाँ मांगने की ज़रूरत क्या है? वो आपको खिलाएगा ना भाई? वो एक्सपेक्ट करता है, उसके घर वाले एक्सपेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मतलब ये चोरी छुपे वाली शादी है? नहीं, यूँ तो पता है कि हाँ इनने किन्नर से शादी कर रखी है, फिर वो यहाँ पे रहे, तो फिर उसके घर वाले एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे शादी की है, कोर्ट मैरिज की है आपने या ऐसा? कोर्ट मैरिज की है। जब कोर्ट मैरिज की है तो आपका तो हक बनता है उसके घर जाकर रहने का। आप भाई घर वाले नहीं रखते तो जबरदस्ती किसके घर में रह जाऊंगा? मेरी आदत है, वो कुछ काम बोलेगी तो अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं ताली मारने लग जाऊंगा उसके मुंह पर खड़े होके, तो गाँव समाज में अच्छा लगता है, मोहल्ले में अच्छा लगेगा, हमारे घर वाली तो किन्नर है, ये रोका नहीं जा सकता ताली बजाना। ये तो हमारी पैदाइश ही है, सबकी तो ना बच जाती है, सबकी ऐसी बच जाएगी? नहीं, सबकी तो नहीं बजेगी, ये तो हमारे खून में, कोई हमें कुछ बोलता है सबसे पहले ताली और कपड़े उठाते हैं, ये तो हमारे खून में। अच्छा एक बात बताओ, एक सच सच बात बताना, ये कपड़े उठाने की वजह क्या है, क्यों उठाते हैं लोग, क्यों ऐसा करते हैं? कपड़े उठाने की वजह ये होती है कि भाई देना है तो दे दो, नहीं देना है तो फिर भाई। लेकिन आपको एक बात नहीं, अभी टक्कर मारेंगे। एक इंसानियत के नाते मैं आपसे बात करता हूँ कि ये कपड़ा उठाने का जो आप लोगों ने सिस्टम बनाया है इससे माहौल खराब होता है, आपको नहीं लगता? माहौल खराब होता है हम समझते हैं, पर बंदा जब समझता नहीं है ना तब हमें ये असली हरकत। लेकिन आप ही के समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग किन्नर के नाम पे कलंक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई भी किन्नर नहीं होगा जिसने आज तक, ऐसा एक भी नहीं होगा जिसने कि कपड़े कभी उतारे ना हो, कभी फेंके ना हो। अच्छा, कोई जबरदस्त ऐसा मुझे एक भी बता दो बड़े से बड़े किन्नर। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया था, एक काजल मंगलमुखी हैं शिवान के, मैं जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग ठीक नहीं होते, उन लोगों का वो लोग का समाज ही अलग है, वो हमारे समाज के हैं ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने अब मैं जान गई तुम लोग कौन हो, मैंने वो वीडियो भी देखी। देखा आपने? देखा है, मैंने वो वीडियो भी देखा है। हाँ। काजल क्या, और वो एक और थी, दो प्रियंका, हाँ प्रियंका, हाँ। दो थी और उसके चेला नाती भी उसके हाँ, साथ हाँ, मैंने हाँ। देखा है आपका वीडियो। आपने देखा है तो आप बताओ, अब आप बताओ क्या कहोगे? हाँ, वो बधाई वाले हैं और हम ट्रेन वाले और ये वाले हैं। अच्छा, टूल टैक्स वाले, हम टूल टैक्स मांगते हैं। अच्छा, और वो बधाई वाले हैं, वो घर में लड़का। आप लोग बधाई नहीं मांग सकते? जाते हैं, हम भी मांग सकते हैं, उसमें कोई
में मतलब रोक बंद। आपको आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छा माहौल है उस अच्छे माहौल में जीने की, अच्छे माहौल में जीने की कोशिश सब करते हैं, क्योंकि नजरिया लोगों का बदल गया। आपको पता है आपके प्रति लोग आपको गलत नजर से देखते हैं, आपको अच्छा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, पांच उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती। यहाँ पे भी काफी लोग आते हैं जो पैर छूते हैं, 500 रुपए भी दे देते हैं। वही 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 मैं भी कह रहा हूँ, जो काफी लोग ऐसी बात है जो गाली दे के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी आस्ते आते हैं जो पैर भी छूते हैं, ऊपर से पैसे भी देते हैं। वही तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आपको भी इसी वे में जाना चाहिए कि जो लोग आप जहाँ पे आपकी इज्जत हो। अब पांच उंगलियां हैं पांच बराबर थे ना, तो जरूरी थे ना सब लोग इज्जत ही करेंगे। अब बधाई में भी जाते हैं वो सब कहीं कहीं मतलब भाई मिल जाते हैं, नहीं देते हैं बधाई, उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो उनके लिए क्या बोल दोगे? नहीं, लगभग लोगों को मैंने सुना है, लगभग लोगों का ये सुना है कि ये लोग, अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, वहाँ पे भी एक ऐसी घटना हुई कि बीच रोड पे मांग रहे थे वो लोग और नहीं देने पे कपड़ा उठाने लगे, तो ये मुझे भी खराब लगा। ये नहीं देने पे गुस्सा आता है कि यार हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना क्या क्या कर रहे हैं, मतलब हम इतना दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, कोई भी इंसान काम करता है। आपको लगता है ये काम है? हमारे लिए तो काम ही है, हम क्या काम कर सकते हैं, हम तो घर से ही इसीलिए तो निकलते हैं कि जाएंगे वहाँ पे मांगेंगे। अब बिना यहाँ से लेके वहाँ तक मैं 8 साल से 10 साल से नाप रही हूँ, मैंने आज तक इतना नहीं नाप पाया, ये कितने किलोमीटर है, कितने गज है, कितना क्या है, आज तक नहीं नाप पाया। काम काम करने के लिए निकलती हूँ मैं, ये नापने के लिए तो नहीं निकलती हूँ वहाँ से। अच्छा। सोच के आती हूँ कि हाँ भाई मैं अपने आज मैं इतना करके लेके आऊँगी, उतना नहीं तो आधा ही हो जाए उससे, भाई 1000 रुपये का सोच के आती हूँ तो 500 रुपये हो जाए, मतलब 500 रुपये हो जाए, उसमें से मैं 200 रुपये 300 रुपये खा लूँगी, 200 रुपये मेरे आगे आने वाले टाइम के लिए रुक जाए। मतलब ये है कि आपने प्रॉपर दिमाग में अपने सेट कर लिया है कि मेरा जीवन यही है, मेरा जीवन यही है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको बदला कोई नहीं, बदल कोई नहीं सकता है, कोई नहीं बदल, कोई नहीं बदल सकता है। मेरी बहुत बड़ा सवाल है ये कि इस जीवन को कोई नहीं बदल सकता, आखिर वजह क्या है? क्या सरकार के पास भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो इन लोगों के लिए बोल रहे थे? अभी अभी बोल रहे थे कि सरकार ने तुम्हारे लिए वो काफ़ी वैकेंसियाँ निकाली हैं, उसमें टेस्ट दो, उसमें पेपर दो। एक भी आज से मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक भी किन्नर कहीं जॉब लगा है जो आपकी जान में हो, बता दीजिए? लगा नहीं है, लेकिन लोग अपने प्रोफेशन को चेंज करके और दूसरा दूसरा भी काम कर रहे हैं जिसमें लोग वो लोग फेमस है, उनको लोग जानते हैं, बिजनेस भी किया जा सकता है। एक किन्नर ऐसे भी हैं जो आज जिला परिषद हैं और लोगों की मदद करते हैं, आपको पता है उनके बारे में? मदद हम नहीं करते हैं, हम क्या सब पैसे खा लेते हैं पी लेते हैं? आप किसकी मदद करते हैं? हम ये चंदा वगैरह इकट्ठा होता है, ये शादी वगैरह होती है, सम्मेलन में पैसे नहीं देते हम लोग, इतना पैसा तो ना खा पी लेते हैं, अपनी दही में लगा लेंगे, हम लोग नहीं करते हैं। आपको भी लेकिन थोड़ा सा बदलना चाहिए, सिस्टम को बदलना, बदलो, क्योंकि ये खतरे का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, घटना दुर्घटना हो सकती है। हो सकता है ना हमारे कोई आगे है, ना कोई हमारे पीछे है, ना किसी को दुख होगा, ना किसी को खुशी है हमसे, मतलब इस जीवन से आप कितना खुश? काफी काफी बार खुश तो कौन होता है, इस जीवन से कौन खुश होगा? देखो कभी भी कोई मौत का कोई पता नहीं होता, एक रुपए के पीछे क्या पता टक्कर मार के चला जाए ड्राइवर अभी। हाँ कभी कभी मरने का सोचते हैं कि इसी में से कूद जाए इधर में, एक बार मैं कूद भी गई थी अभी। क्यों? इसी पे से मतलब गुस्सा आया कि यार क्या जिंदगी है, ना लड़के हैं ना लड़की है ना कुछ भी नहीं है, ना इंसान की गिनती में नहीं आते हैं कुछ, मतलब वो ऐसी बातें होती हैं जो टॉर्चर कर, मतलब आप दुखी हो अपने इस जीवन से? दुखी है, तभी तो कूद गई थी, अब देखो कितना गहरा है, यहाँ से बच भी गई मैं, मेरे कुछ भी हुआ नहीं, ऊपर वाले को मंजूर नहीं गिरी थी मैं, ऊपर वाले को मंजूर नहीं था आपका मरना। और ये मैं काफी बार सोचती थी कि नीचे आ जाऊं, पर गाड़ी वाला नहीं, ऐसा कभी मत करना। गाड़ी वाला क्या बोलता है कि अगर आप मर जाओगे तो दोबारा कौन मिलेगा, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई तो कुछ। सही बात है, मतलब लोग ऐसे भी हैं जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अब काफ़ी लोग हैं मतलब जो हमारे डेली के हैं, डेली आते हैं डेली जाते हैं, दुआएं लेके जाते हैं, पैसे देते हैं, हम लोग उन्हें सिक्का दे देते हैं, सिक्का मांगते हैं तो भाई उनकी दुआ पूरी। अच्छा ये सिक्के वाला सिस्टम क्या है, एक बार मैं भी जानना चाहता हूँ, सिक्के वाला सिस्टम क्या है? सिक्के वाला मतलब सिस्टम है कि भाई वो उनकी मुराद पूरी करने के लिए होता है, मतलब वो ये तो है कि आप लोगों का आशीर्वाद लगता है, वो एक आशीर्वाद के तौर पे हमसे कोई चीज़ हमारी लेके जाते हैं। आपको आप बताओ, आप रोड पे खड़े हो, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं, तो आपको भी कहीं एक जगह ऐसे बैठ जाना चाहिए जहाँ लोग आए आशीर्वाद लेके चले जाएं? ऐसा तो कहीं नहीं होगा, आप कोशिश करके देखो। करके देख लिया, करके देख लिया, पूरा दिन बैठी रहती थी वहाँ पे, कोई नहीं आता ऐसे, कोई नहीं आता गाड़ी के बीच। ये हंसी कैसी हंसी है, ऊपर से हंसी है या अंदर से? अब मुँह देख के पता नहीं चल रहा है अंदर से कि कैसी है, हर टाइम रहती हूँ। सही बात है, अच्छी बात है, जीवन जो ज्यादा हंसता है उसके अंदर से पूछ के देखो क्या होता है। जीवन में हंसना चाहिए, हंसना बहुत जरूरी है।